चाहे कितने ही बॉर्डर सील कर दो, जिस तरीके की फोटो आ रही है, अगर इस तरीके से अगर ऐसा लगता है कि कहीं बॉर्डर से भी बुरा, सीमा जो भारत की है पाकिस्तान चाइना, उससे भी बुरे हालात इन्होंने सड़कों पे किए हैं, जिस तरीके से किले लगाई है, बैरिकेड लगाए हैं, जिस तरीके से बांधे, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश का वो हिस्सा किसान जो धरती का बिना प्यार के जो अनाज उगाता है वो इन चीजों से कहीं डरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से किसान आंदोलन की राह पर हैं। राजस्थान में भी किसानों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। पुलिस ने भी तमाम तैयारियां की हैं, बॉर्डर्स को सील कर दिया है, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मुकेश भाकर साथ में हैं, जो कि खुद किसान परिवार से आते हैं। मुकेश जी, जिस तरह से किसान काफी आक्रोशित हैं और पुलिस जिस तरह से बॉर्डर सील कर रही है, कीले लगा रही है, क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? देखिए आंचल जी, जिस तरह से पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ तो भारत सरकार को ये लगा कि ये किसान कुछ दिन हल्ला करेंगे, अपने घरों पे चले जाएंगे, जब काले कानून, कृषि के कानून जब भारत सरकार लेकर आई, लेकिन जब इनको लगा कि इतना लंबे समय तक आंदोलन चला, सरकार को झुकना पड़ा, वापस कृषि कानून वापस लेने पड़े, तो उसके बाद जो MSP की जो मामला था कि हम MSP जो खरीद पर देनी है उसको लेकर किसान बार बार अपनी मांगे कर रहे थे, और भी जो पानी को लेकर है, सिंचाई को लेकर जो मांगे थी उनको लेकर किसान अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन भारत सरकार सिर्फ उद्योगपतियों को अपनी ओर से रियायतें, अपनी ओर से सहारा देना चाहती है, जबकि किसानों की, उनको लगता है कि किसान उनकी डिक्शनरी में भी नहीं है, उसको लेकर किसानों ने फिर से आंदोलन किया है। लोकसभा चुनाव सामने देखते हुए जो लोक लुभावनी बातें भारत सरकार लेकर आई उनमें किसान आने वाला नहीं है, और मुझे लगता है कि चाहे कितने ही बॉर्डर सील कर दो, जिस तरीके की फोटो आ रही है, अगर इस तरीके से अगर ऐसा लगता है कि कहीं बॉर्डर से भी बुरा, सीमा जो भारत की है पाकिस्तान चाइना, उससे भी बुरे हालात इन्होंने सड़कों पे किए हैं, जिस तरीके से किले लगाई है, बैरिकेड लगाए हैं, जिस तरीके से बांधे, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश का वो हिस्सा किसान जो धरती का सीना फाड़ के जो अनाज उगाता है वो इन चीजों से कहीं डरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। मुकेश जी, अभी लेखानुदान बजट आया और उसमें भजन सरकार ने भी किसानों को कई सपने दिखाए, कई घोषणाएं उनके लिए की, तो ऐसे में क्या राजस्थान के किसानों का गुस्सा जो है वो जायज है? सरकार तो कह रही है ना कि हम बातचीत करेंगे, हम समाधान निकालेंगे, आप इस तरह से आंदोलन ना करें। देखिए, पिछले जब आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद इन्होंने कई तरीके के आश्वासन दिए, उन पर क्या काम हुआ इतने समय बाद, और फिर चुनाव के समय ही किसानों को भी बताया कि अगर चुनाव लोकसभा के हो गए उसके बाद तो कोई सुनने वाला इनकी है नहीं। चुनाव के समय सभी राजनीतिक पार्टियां, कोई भी हो, और विशेषकर मोदी सरकार जो सिर्फ चुनाव को लेकर, पूरे उनका एजेंडा ही चुनाव है, उसको लेकर जिस तरीके से, तो किसानों का इस समय आंदोलन करना जायज है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जब पिछला आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद क्या किया इन्होंने, समय बहुत था, तो लोक लुभावनी बातें करना और उनको जमीन पर लागू करना, आप अडानी अंबानी को तो एक दिन में रियायत दे देते हैं, उनको फायदा दे देते हैं, और किसानों को लेकर आपके लिए कहीं जगह नहीं है। तो जो किसान है यहाँ भी हनुमानगढ़ गंगानगर जो सिंचित एरिया है, क्योंकि राजस्थान में काफी हिस्सा ऐसा है जैसे रेगिस्तानी है, तो वहाँ इस किसान आंदोलन का मुझे लगता है ज्यादा असर ना हो, लेकिन जो सिंचित एरिया है और जो नहरी सेक्टर है जहाँ सिंचाई है, जहाँ खेती अच्छी होती है, उन इलाकों में इसका फर्क देखने को मिल रहा है, और धीरे धीरे ये पूरे राजस्थान में फैलेगा। तो सरकार ये समझती है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने हल्के में ले लिया था किसानों को, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इनकी हालत हुई, तो आज ये बॉर्डर सील करना और इंटरनेट सेवाएं बंद करना, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आंदोलन किसानों ने पिछली बार भी एक साल से ज्यादा बॉर्डरों पर बैठे रहे, 700 लोगों ने अपनी शहादत दे दी और उसके बाद भी नहीं हटे, तो इन इंटरनेट और इन बॉर्डर सील करने से किसान कहीं रुकने वाले नहीं है। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार अगर इसका रास्ता निकालना चाहती है, केंद्र की सरकार,
तो बात करके जिन मांगों को किसान कह रहे हैं उन मांगों पर जल्दी इनको सहमति बनानी चाहिए। बिल्कुल, आप भी किसान परिवार से आते हैं, आपका क्या कुछ रुख रहने वाला है आने वाले समय में? अगर किसान दिल्ली कूच करते हैं तो क्या मुकेश भाकर को भी हम दिल्ली में देखेंगे? हाँ जरूर देखेंगे। पिछली बार भी जहाँ जब आंदोलन हुआ तहसील स्तर पर, हमने किसानों के साथ चाहे चक्का जाम हो चाहे इनको समर्थन को लेकर जितनी भी मांगे थी, 1 महीने की सैलरी, मैंने जब ये राकेश टिकैत जी और नागौर ने जब सभा करने आए तो उस समय जब फाइनेंशियल हो या हमारी तरफ से जितनी भी मदद हो वो हमने पिछली बार भी की और अभी भी तन मन धन से हम किसानों के साथ रहेंगे। दिल्ली कूच का मामला रहा तो किसानों के साथ हम खड़े मिलेंगे। एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि किरोड़ी लाल मीणा जो कि कृषि मंत्री हैं राजस्थान के, वो खुद किसान परिवार से आते हैं, क्या उन्हें समझाइश नहीं करनी चाहिए? राजस्थान के किसानों को भरोसा नहीं दिलाना चाहिए कि आप सुरक्षित हैं, आपके हकों को नहीं मारा जाएगा? को इतनी अगर सरकार करती, किरोड़ी मीणा जी ने पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार के खिलाफ खूब आंदोलन किए, खूब मुद्दे उन्होंने उठाए। आज वो जब सरकार में हैं और खुद आंदोलन से खुद किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, कृषि मंत्रालय उनके पास है, तो उनको तो जरूर पहल करनी चाहिए। जहां आंदोलन हो रहे वहां जाएं, उनकी बातों को सुने और सरकार तक पहुंचाएं, उन बातों पर सहमति बननी चाहिए। और किसान परिवार के लोगों को लोग क्यों वोट देकर आगे लाते हैं? वो इसीलिए लाते हैं कि जब हमारे मुद्दे हो तो उस समय हमारा जनप्रतिनिधि हमारे साथ खड़ा रहे। तो मैं चाहता हूँ और मुझे लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा जी को इस आंदोलन में आगे आकर इन बातों पर सहमति बनाने में उनको अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, मुकेश भाकर भी कह रहे हैं कि किसान जो हैं वो रुकने वाले नहीं हैं, सरकार चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें लेकिन अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो किसानों का जो आक्रोश है वो देखने को मिलेगा और मुकेश भाकर को भी दिल्ली में देखेंगे।